अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुदेव। मैं स्वामी वैशंपायन आपका योग वशिष्ठ के 17वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ महामुनि को मृत्यु के बारे में बताते हैं और कहते हैं मृत्यु के बारे में सोचकर ही उनका मन विषण्ण हो रहा है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मृत्यु के ऊपर कैसे हावी हो जाए, कैसे जीत हासिल करें। उसके आगे प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं जीवन का पूरा उद्देश्य कहीं ना कहीं खुशी को खोजना है, सुख को खोजना है, पर हमें तो वो सुख और खुशी कहीं पे उपलब्ध नहीं होती। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी इसी को लेकर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं छोटे बच्चे को पूछो क्या वो खुश है, क्या वो सुखी है। वह कहता है नहीं, एक बार मैं मेरे बड़े भैया जैसे कॉलेज में जाने लगूं उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। क्यों? उसे ज़्यादा फ्रीडम है, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कपड़े पहन सकता है। एक बार मैं कॉलेज पहुंच जाऊं फिर खुश हो जाऊंगा। जब वो कॉलेज पहुंचता है उसे पूछो क्या वो खुश है, क्या वो सुखी है। वो कहते नहीं, एक बार मैं पैसा कमाने लगूं फिर मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। पैसा कमाने लगता है उसे पूछो क्या वह खुश है। वो कहता है नहीं, एक बार मन जैसा जीवन साथी मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। जीवन साथी मिलने पर पूछो खुश है क्या, कहता है एक बार बच्चे हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे होने पर पूछो खुश है क्या, एक बार ये बच्चे बड़े हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे बड़े हो गए अब खुश हो क्या, एक बार इनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। प्रभु रामचंद्र जी भी इसी को विश्लेषण करके बता रहे हैं, जहां जहां पर जीवन में मैंने सुख को खोजना चाहा, आगे चलकर अनुभव में आया वही सारी चीजें सुख तो देती नहीं है, कहीं ना कहीं दुख का ही अनुभव करवाती है। प्रभु रामचंद्र जी आगे और भी कहते हैं हे महर्षि, सुख को भोग न बचपन में है, न जवानी में है, न बुढ़ापे में है। संसार का कोई भी पदार्थ किसी को सुख देने के लिए बना ही नहीं है। दोस्तों, हमने भी जीवन में यह अनुभव किया है, कोई वस्तु या परिस्थिति सही में सुख नहीं देती। उदाहरण के तौर पर चॉकलेट कितने लोगों को पसंद है? बहुत सारे लोगों को। सपोज मैंने आपको एक चॉकलेट का बड़ा बार दिया, आप देखोगे खुश हो जाओगे, वाह मुझे चॉकलेट मिला, उसे खा लो, मैंने और एक दिया, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो बस हो गया, आज बहुत अच्छा दिन है, मेरी मनपसंद चॉकलेट मुझे मिली है, उसे भी खा लो। तीसरा दिया, आप कहोगे नहीं 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 आज तो बहुत हो गया, हमने बहुत आग्रह किया, आपको खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा, वो भी खा लिया। चौथा दिया, तो देखो मित्रों जो चॉकलेट कुछ समय पहले आपको खुशी दे रही थी वही चॉकलेट कुछ समय के बाद दुख का कारण बन गई। प्रभु रामचंद्र जी को यह चीज कहीं ना कहीं अनुभव में आ चुकी थी, तो वो महर्षि वशिष्ठ जी को यही कहते हैं कि सारी वस्तु सारी चीजें कहीं ना कहीं सुख का आभास कराती है लेकिन वास्तविकता में तो दुख ही देती है। वो कहते हैं मैं उसे वीर नहीं मानता जिसने शक्तिशाली सेना पर विजय पाई हो, मैं तो उसे वीर मानता हूं जिसने मन और इंद्रियों के रूप सागर को पार कर लिया हो। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। देखो
वीर सही में कौन है जिसने हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर, हमारे मन के ऊपर विजय हासिल कर ली है? कौन है सही में वह योद्धा जिसने इसे कर लिया है? प्रभु रामचंद्र जी कहते, क्या यह मुमकिन भी है? क्या सही में ऐसा हो भी सकता है कि मैं अपने ही इंद्रियों पर, अपनी ही इच्छाओं पर विजय पा सकूं? हे गुरुवर्य, आप मुझे पूछ रहे हो ना, मैं इतना दुखी क्यों हूं, मेरे मन में इतनी विषण्णता क्यों है? यह सारा देखकर ही यह विषण्णता आ गई है, मुझे वह मार्ग पता नहीं कैसे इन सब के ऊपर मैं जीत हासिल करूं। कितना सुंदर विश्लेषण अपने जीवन का प्रभु रामचंद्र जी कर रहे हैं। देखिए मित्रों, प्रभु रामचंद्र जी जो बोल रहे हैं ना, हमने भी हमारे जीवन में ये सब कहीं ना कहीं अनुभव किया हुआ है। इसीलिए इतिहास का मतलब ही होता है जो ऐसे घटा है या घट रहा है। तो प्रभु रामचंद्र जी के जीवन की कोई अलग स्टोरी नहीं है, हमारे ही जीवन की स्टोरी है जिसे हर पल हम अनुभव कर पा रहे हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में प्रभु रामचंद्र जी और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके मन में कुछ सवाल है वीडियो को लेकर, तो जरूर नीचे कमेंट सेशन में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, जिसके ऊपर आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।